सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली 2019 बैच के लिए आप सभी के लगातार सवाल आ रहे हैं कि जो स्क्रूटनी रिजल्ट है 2019 बैच का, वो कब तक आ सकता है, क्या अप्रैल के लास्ट में कुछ चांसेस बन रहे हैं या नहीं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या अगर स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है तो उससे बेनिफिट मिलता भी है या फिर सिर्फ वही रिजल्ट वो लोग दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी आप सभी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम आप सभी को अगर बताएं कि जैसे कि स्क्रूटनी का रिजल्ट पीएनपी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि कब तक आ सकता है। सो फ्रेंड्स, पीएनपी ने तो बोला था कि जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो अप्रैल के सेकेंड वीक में डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा। बट अभी तक यहाँ पर, क्योंकि पीएनपी का आप ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे डाइट हैं जो भी कॉपी थी वो सेंड नहीं किए हैं, जिसके कारण जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो सेकेंड वीक में जो भी है वो जारी नहीं हो सका। तो अभी जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि जो भी रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड हो रहे हैं, जैसे कि पहले सेकेंड सेमेस्टर का जो इनकम्प्लीट रिजल्ट था वो जारी हो गया, फिर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ, और अभी स्क्रूटनी रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कब तक जारी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को वेट करना होगा अप्रैल के लास्ट तक। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल के लास्ट तक, क्योंकि अभी जो भी प्रक्रिया है अगर हम कहें तो सब कुछ बंद है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अप्रैल के लास्ट तक जो भी स्क्रूटनी रिजल्ट है वो जारी होगा। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या स्क्रूटनी रिजल्ट से कोई बेनिफिट मिलता भी है या नहीं। जैसे कि स्क्रूटनी होता क्या है, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूँ। तो स्क्रूटनी क्या होता है कि जैसे आपका जो भी कॉपी होता है, ठीक है, उसमें अगर बाय द वे अगर किसी टीचर से कोई नंबर, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका नंबर वो काउंट नहीं किया हो, ऐसा होता है ना, स्क्रूटनी में पुनः क्वेश्चन चेक नहीं होता है। ठीक है, ये तो आप मान के चलिए, पुनः जो भी आपका क्वेश्चन एक बार चेक अगर आपने सही भी किया और बाय मिस्टेक गलत हो गया हो तो उसको फिर से सही नहीं किया जाता है। स्क्रूटनी में क्या होता है कि अगर गलती से कोई नंबर काउंट नहीं हुए होते हैं तो उनको पुनः एक बार जोड़ा जाता है और आपको उसी के अकॉर्डिंग नंबर दिया जाता है। अब जैसे कि आपने सुना भी होगा कि बोला जाता है कि स्क्रूटनी में एक या दो नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक या दो नंबर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, बट अगर आप कहें कि तीन से चार नंबर, छः नंबर बढ़ जाएँ तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो यही कुल होता है स्क्रूटनी। इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता है इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है, सिर्फ जो भी आपके नंबर यानी जो भी कॉपी है उस पर अगर किसी प्रश्न के जो भी नंबर हैं वो काउंट नहीं हुए होते हैं तो उसको पुनः रिकाउंट करके और आपके रिजल्ट में ऐड कर दिया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये भी बताते चलूँ कि जो आप अपना स्क्रूटनी रिजल्ट है वो आप कहाँ से देख सकेंगे, यूपी डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु। सो फ्रेंड्स, आप updlaedinfo.in पर आप अपना जो भी स्क्रूटनी रिजल्ट है वो देख सकेंगे। बट अभी जो भी रिजल्ट है वो स्क्रूटनी रिजल्ट का वो आया नहीं है। ठीक है, तो अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो अप्रैल के लास्ट तक आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और बहुत सारे साथियों का ये सवाल है कि अगर हमारा एक या दो सब्जेक्ट में बैक है सेकंड सेम में, तो हम किस सब्जेक्ट के किस सेम की तैयारी करें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि पीएनपी के अकॉर्डिंग उनके कहना है कि जिनके सेकंड सेम में एक या दो सब्जेक्ट में बैक है वो उस बैक पेपर को तो देंगे ही, साथ में फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर देंगे। बट यही है ना, पीएनपी की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि वो समय पर नोटिस जारी नहीं करती। देखिए, अगर जो कुछ भी उसको करना है तो वो अगर नोटिस जारी कर देती है तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी अपने प्रशिक्षु हैं वो अपनी तैयारी करेंगे, है ना। उनको कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना कि हम इस सब्जेक्ट की, इस सेम की तैयारी करें या सेकेंड सेम की तैयारी करें या थर्ड सेम की। इससे क्या होता है कि जो भी पढ़ाई होने वाली होती है वो कुछ भी नहीं होती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आप सभी को कि जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है वो, और फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा आप सभी यानी पुनः एक बार अगर आप तैयारी कर लेते हो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का ये सवाल है कि थर्ड सेम में हम अगर यानी अगर हमारा बैक है तो हम थर्ड सेम का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पीएनपी ने एक नोटिस जारी किया था, उसमें ये बोला गया था कि जिन प्रशिक्षुओं का
एक या दो सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, तो वो थर्ड सेमेस्टर का यानी थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे सकेंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पर अगर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करती है पीएनपी तो कन्फर्म है कि आप थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देंगे। बट देखिए यहाँ पर सवाल यही आता है कि अगर टाइम पर एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो फिर प्रमोट बेस्ट चांस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और साथ में स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर हम आप सभी को जानकारी दें तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड अभी तक यही जानकारी है कि अभी मतलब जो भी स्कॉलरशिप है अभी किसी भी प्रशिक्षु का नहीं आ रहा है, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ये दिया जा रहा है कि जो भी बजट है वो ख़त्म हो चुका है, जैसे ही बजट तैयार होगा तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो स्क्रूटनी रिजल्ट अप्रैल के लास्ट तक वेट करना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।